नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है और इस खुशखबरी के लिए हमारे DRDO के वैज्ञानिक बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं। दरअसल भारत ने अब एक ऐसा हथियार का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है जो कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका और रूस के पास ही है, और अब भारत तीसरा ऐसा देश बनने जा रहा है जिसके पास ये हथियार उपलब्ध होगा। और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना ने इस हथियार को बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर दिए, परंतु अभी तक चाइना इस हथियार को सक्सेसफुली तौर पर बना नहीं पाया है और भारत ऐसा तीसरा देश होने वाला है जिसके पास इतना घातक हथियार होगा, और इससे अब भारत सुपर पावर देशों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर आने वाला है। दरअसल आप सभी तो जानते होंगे कि वर्तमान समय में जो युद्ध के हथियार हैं उनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे में देखते हुए कई सारे देशों ने यह सुझाव दिए हैं कि क्यों ना लड़ाई के लिए लेज़र हथियारों का उपयोग किया जाए, और इसी टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया में अमेरिका और रूस के पास महारत हासिल है। परंतु अब भारत एक ऐसा देश होने वाला है जिसके पास लेज़र हथियार के तीनों प्रकार के वर्जन होंगे, अर्थात लेज़र हथियार भारत के फाइटर जेटों में भी लगेगा और भारत के नेवी के जो जहाज होते हैं उनमें भी लगने वाला है। साथ ही भारत की स्थलीय सेना के लिए भी लेज़र वेपन DRDO तैयार कर रहा है और इसकी सफल टेस्टिंग DRDO ने कर ली है, और इसके लिए भारत सरकार ने DRDO को फंड भी प्रोवाइड करा दिया है, जिससे अब भारत के जो लेज़र वेपन उसका प्रोडक्शन बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाने वाला है। तो दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अभी जो भारत डिफेंस के लिए और अटैक के लिए जो मिसाइलें यूज करता है उनमें भारत को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यदि भारत एक मिसाइल का यूज़ करता है तो कोई भी मिसाइल की जो प्राइस है वो 10 करोड़ रुपए से नीचे नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि यदि भारत 10 से 12 मिसाइलें दाग देगा किसी देश पर तो भारत को कितना खर्चा आने वाला है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने DRDO के साथ मिलकर एक ऐसा वेपन बनाया है जिसका निशाना अचूक है और इसके बार से दुश्मन नहीं बचने वाला। साथ ही इसका जो सुरक्षा कवच है वो इतना तगड़ा है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से यह 200 गुना ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही यह दुश्मनों की मिसाइलों और उसके फाइटर जेटों के लिए काल का रूप धारण कर लेगा, क्योंकि इसका निशाना इतना अचूक है कि 5th generation और 6th generation के फाइटर जेट पर यह एक्यूरेट निशाना लगा लेता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह जो हथियार है वो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को पर भी एक्यूरेट निशाना लगाकर उन्हें तबाह कर देता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि यदि यह हथियार भारत के पास आ गया तो भारत अभेद्य बन जाएगा और किसी भी देश के फाइटर जेट या किसी भी प्रकार की मिसाइल भारत में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों, इस खूंखार हथियार का नाम DRDO के वैज्ञानिकों ने Durga-2 रखा है, और इसका हवा से हमला करने वाला, जल से हमला करने वाला, साथ ही जमीन से हमला करने वाला वेरियंट भी DRDO तैयार कर रहा है, और जल्द ही यह इंडियन आर्मी में शामिल हो जाएंगे।